फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कंचन भारद्वाज। मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने लोकसभा चुनाव के दौरान पढ़ रहे रमजान को लेकर देश में चल रही बहस को बेतुका बताया है। जावेद अख्तर ने 11 मार्च को इस मसले पर एक ट्वीट किया और कहा कि मैं चुनाव और रमजान को लेकर इस पूरी बहस को बिल्कुल बेतुका मानता हूं। ये धर्म निरपेक्षता का विकृत और पेचीदा रूप है जो मेरे लिए बेतुका, विभत्स और असहनीय है। चुनाव आयोग को इस पूरे मसले पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। दरअसल ऑल या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB और ऑल इंडिया विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मई में रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव कराए जाने को लेकर एतराज जताया है। बोर्ड के अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि आयोग चुनाव की तारीखों पर एक बार फिर से विचार करे। इधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम ने भी 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाया था। अब इस पर जावेद अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इधर चुनाव आयोग ने इस मसले पर कहा है कि चुनाव के दौरान मुख्य त्योहार और शुक्रवार का ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि देश में 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इस बार देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। 7वां चरण 19 मई को है जबकि चुनाव परिणाम 23 मई को आएंगे। 5 मई को मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र महीने यानी रमजान का चांद देखे जाने की उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।